हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार तज्ञ, सम्मोहन तज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं एनएलपी ट्रेनर भी हूँ और एक कोच हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कोई व्यक्ति के साथ में, और वो हादसा होने के बाद में उसके मन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है, असर हो जाता है, और उसको मानसिक तकलीफ, मानसिक तनाव, मानसिक बीमारी आ जाती है। मतलब उसको जो ट्रॉमा बैठता है, मानसिक आघात, उसके वजह से उसको जो बीमारी आती है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ट्रॉमा मतलब कौन से, किस तरह के ट्रॉमा, जैसा कोई रेप हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, या भूकंप हुआ, या बाढ़ आई, या टेररिस्ट अटैक हुआ, या कोई बड़ा इंसिडेंट और बड़ा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, या घर के बहुत ही महत्व के व्यक्ति की या एकदम अचानक सी डेथ हो गई, ऐसा कुछ भी ट्रॉमा, मानसिक ट्रॉमा ऐसा हो जाता है, या कहीं अटैक हो गया, चोरों ने अटैक किया, तो वो ट्रॉमा होने के बाद, मतलब वो आघात मन के ऊपर होने के बाद में जो तकलीफ होती है, जो बीमारी आती है, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कुछ लोगों के मन में 72 घंटे तक ये चलता है, मतलब वो तकलीफ होती रहती है, उसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। तो 72 घंटे में यदि वो अच्छा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं ट्रीटमेंट की, मगर 72 घंटे के बाद में भी वो तकलीफ शुरू रही और वो तकलीफ चलती रही तो उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसमें तकलीफ होती क्या है कि वो, एक तो उसको नाइटमेयर्स आते हैं या फ्लैशबैक आता है। नाइटमेयर्स मतलब सपने में भी वो एकदम उठ जाएगा, डर के मारे उठ जाएगा, और उसको वो सपने आएंगे, वो जो घटना हुई वो घटना के सपने आके उठ जाएगा, और बहुत घबरा जाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, जो भी है। और नहीं तो फिर उसको फ्लैशबैक आएगा, मतलब दिन में उसको वो पूरी घटना ऐसे सामने दिखेंगी, आंखों के सामने दिखेंगी, और वो घटना जब दिखेंगी उसको तो वो घटना से वो व्यथित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, और विचलित होकर वो उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो ये फ्लैशबैक होता है या उसको नाइटमेयर आते हैं, उस समय उसको बहुत बड़ी, मतलब ऐसी बहुत ट्रेमर्स है, या हाथ कंपकंपाना, बहुत पसीना आना, घबराहट, बेचैनी, और ऐसा उसको लगता है कि अभी अपन मर जाएंगे, ऐसा उसको लग जाता है। मतलब इतना बहुत बड़ी तकलीफ उसको हो जाती है। इसमें ये 72 घंटे के बाद में भी शुरू है, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने शुरुआत चालू है, मतलब शुरू है, ये तकलीफ चालू है, तो उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें दवाइयाँ काम में आती है, मानसिक मन शांत करने की दवाइयाँ, साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, सम्मोहन उपचार, और एनएलपी टेक्निक्स जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स जो है, जैसा बैड मेमोरी जो है, मतलब बुरी याददाश्त जो है वो वॉश आउट करना, निकाल देना, तो बैड मेमोरी वॉश आउट का जो एक्सरसाइज है एनएलपी का, उसमें काम में आता है, या उसमें एंकरिंग का जो टेक्निक्स है वो काम में आते हैं। ऐसे अलग अलग एनएलपी के टेक्निक्स काम में आते हैं जिसका उपयोग करके इसमें फ़ायदा होता है। सम्मोहन के माध्यम से उसको वो मेमोरी की याद दिलाना रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्सेशन में, और विजुअलाइजेशन करवाना, और इधर बॉडी रिलैक्स है और वो विजुअलाइज कर रहा है, बॉडी रिलैक्स और विजुअलाइज कर रहा है, इस तरह का उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देना, और उसको काउंसिलिंग करना, दवाई देना, मतलब इस तरह का उसका इलाज होके वो व्यक्ति कुछ दिनों में अच्छा हो जाता है। बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आते हो ऐसे कि जिनको ऐसी बीमारी है, या जिनको ऐसे कोई बहुत बड़े ट्रॉमा से वो निकले हैं और उनको अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो ज़रूर इनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको काम में आएगा। आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।